नाम नवाब सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन इस बार इनसे गलती हो गई। नवाब सिंह पर आरोप है कि इन्होंने एक नाबालिग को नौकरी देने के बहाने उसे बुलाया और उसके साथ रेप की कोशिश की। लड़की ने पुलिस को खबर दी और जनाब मौके पर ही धर लिए गए। क्या बात हो गई भैया? यही है वो। आइए आइए। क्या ये कौन है आपकी? जब पुलिस पहुंची तो नवाब साहब की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। उसे जवाब देते नहीं बन रहा था कि आखिर यहाँ रेट क्यों पड़ी है। इनको ले चलिए भाई, महिला कंप्लेंट करी आपके खिलाफ। ये पेन आप इनको ले लीजिए, महिला को कस्टडी में भी। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर नवाब को उठाया और थाने ले आई। मैं प्राप्त हुई थी जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के राइट हैंड माने जाने वाले नवाब सिंह की गिरफ्तारी के बाद सियासत शुरू हो चुकी है। दरअसल सियासत की वजह भी है, क्योंकि नवाब कांड सामने आते ही समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखकर बताया कि नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि कन्नौज में नवाब सिंह यादव की पहचान मिनी सीएम के रूप में होती थी, लेकिन अब इस मामले को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में नया घमासान शुरू हो चुका है। यहाँ का एक बड़े नेता में उसकी गिनती होती रही है। अखिलेश यादव के समय में लोग उसको मिनी चीफ मिनिस्टर कहा करते थे। अखिलेश जी से किस प्रकार से इनकी नज़दीकियाँ यहाँ चर्चा का विषय हुआ करती थी। डिंपल जी के ये प्रतिनिधि थे। किसी भी बच्ची के साथ ऐसी घटना हो तो अलग बात है, उसको न्याय मिले, लेकिन यहाँ न न्याय मिल रहा है और मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो। सवाल है कि अयोध्या के विलेन मोहित के पापों का बुलडोजर से हिसाब हो चुका है, क्या अब नवाब के अवैध ठिकानों पर भी चलेगा बुलडोजर? सवाल ये भी कि नवाब के मामले से क्या पल्ला झाड़ रही है समाजवादी पार्टी? और सवाल ये भी कि क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता ही इस तरह के घिनौने मामले में शामिल हैं? सवाल ये भी कि उपचुनाव से पहले अयोध्या और कन्नौज रेप कांड समाजवादी पार्टी के लिए क्या खतरे की घंटी है? करेंगे इसी पर टू दी पॉइंट बड़ी बहस। हमारे साथ होंगे खास मेहमान, बने रहिए जी न्यूज के साथ। और चलिए आपको दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर में अयोध्या रेप कांड के आरोपी मोहित खान के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, अवैध ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया। अब यही मांग उठ रही है कन्नौज मामले में। इसमें कहा जा रहा है कि नवाब सिंह यादव पर क्या यह बुलडोजर कार्रवाई होगी? क्या इनके अवैध ठिकानों पर भी बुलडोजर चलेगा? क्या अब अगला नंबर नवाब सिंह यादव के अवैध ठिकानों का है क्या? ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। अब चलिए जल्दी से आपको बताते हैं कि आखिर खबर क्या है जिस पर आज हम ये बड़ी बहस करने वाले हैं। ये देखिए, कन्नौज में नाबालिग से रेप की कोशिश का गंभीर आरोप लगा नवाब सिंह यादव पर। एसपी के नेता नवाब सिंह पर ये संगीन आरोप लगे हैं। नाबालिग की शिकायत पर आरोपी को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। नवाब को बताया जाता है अखिलेश यादव का करीबी। हालांकि पार्टी ने नवाब सिंह यादव से किनारा कर लिया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के डीएनए पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज इसी पर आज बड़ी बहस होने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह साजिश हो सकती है और इसके लिए नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। हमारे साथ राधिका केड़ा बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुकी हैं, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं, एजिया यादव है आरजेडी के प्रवक्ता, रोहित अग्रवाल है आरएलडी के प्रवक्ता, धीरेन्द्र कुमार है एलजेपीआर के प्रवक्ता। मैं शुरुआत कपिल श्रीवास्तव जी आपसे करना चाहूंगा, क्यों ऐसा लग रहा है आपको ऐसे संगीन मामले में जहां पर पुलिस ने रंगे हाथों आरोपी को पकड़ा है और आपकी एक नेता कह रही है कि यह साजिश हो सकती है, क्यों ऐसा लग रहा है? पीयूष भाई अन इंटरप्ट हमें कहने दीजिएगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चन और क्वेरीज होंगी आप करिए। पहली चीज तो मैं ये कह दूं प्रत्युष भाई, ये जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों पर होने वाले हैं, उनके मद्देनजर ये नैरेटिव गढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही। दूसरी चीज, नवाब सिंह यादव पिछले विधानसभा के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दिए थे, इसलिए पार्टी ने उन्हें हटा दिया। तीसरी चीज आपको ये कह दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है वो क्या आपको अपने वीडियो में नहीं दिखाई दे रही? कोई 15 साल 14 साल की लड़की कौन सी नौकरी पाएगी ये बता दीजिए।
18 साल कम से कम एक आयु होती है, बुआ बैठी हुई है, एक व्यक्ति लेटा हुआ है और अचानक पुलिस को लेकर के वो लड़की आती है और बुआ और वो बैठे हैं आराम से बात कर रहे हैं। इस तरीके से कभी देखा है क्या? आपके साथ कोई बैठ करके बात कर रहा हो, पीछे से एक लड़की आकर के आपको आरोप लगा दे साजिशन। भारतीय जनता पार्टी का यह प्लांड ड्रामा है जो कि समाजवादी पार्टी से भयभीत हो चुकी है लोकसभा के हार को देखते हुए, इसलिए उपचुनाव के मद्देनजर यह साजिश गढ़ रही है। ठीक है, और हमें आप एक बार बता दो ये किस सेक्शन के तहत इन्होंने जो है वो मुकदमा दाखिल किया? जी ठीक है, क्या कोई मैं इसका जवाब बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा से लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार कन्नौज का रुख करता हूं जहां पर हमारे सहयोगी नीतीश पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीतीश, इस मामले में अपडेट क्या? दूसरी चीज बताइएगा कि अब कहा जा रहा है कि नजूल की जमीन पर अवैध अतिक्रमण या कब्जा था नवाब सिंह यादव का, क्या इसकी पुष्टि हो गई है? और अगर पुष्टि हो गई है तो क्या वहां पर बुलडोजर कार्रवाई की जो मांग की जा रही है, क्या वो आगे एक्शन होगा क्या? देखिए, तैयारी हो रही है प्रशासनिक तौर पे, जो नजूल की जमीन है इसके साथ ही अगर बात करें तो जो अन्य जगहों पर भी नवाब सिंह से जुड़े हुए जो प्लॉट और जमीनों के होने की बात हो रही है उन पर भी पूरी तरह से नजर रखी गई है और पूरी जांच की जा रही है। दूसरी चीज, जो बुलडोजर कार्रवाई की बात है तो जो मांग की जा रही है उस पर भी विचार किया जा रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई भी इस पर हो सकती है। और इसके साथ ही अगर बात करें अपडेट, तो नवाब सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है अगर 14 तारीख तक, और इसके साथ ही जो पीड़िता है, पीड़िता का आज मेडिकल टेस्ट कराया जा सकता है, क्योंकि पीड़िता भी मेडिकल टेस्ट कराने को तैयार नहीं हो रही थी कल, अगर जिस तरह से जो खबर सामने आ गई तो उसके बाद मेडिकल टेस्ट कराने को तैयार नहीं थी, तो अब मेडिकल टेस्ट होगा आज, ऐसा कहा जा रहा है कि आज पीड़िता का मेडिकल टेस्ट होगा। इन सब के बावजूद जो आरोपी है वो जो चर्चा है जनता में, जो चर्चा है आरोपी को यहाँ पर समाजवादी परिवार का नजदीकी माना जा रहा है, जो लोग बता रहे हैं कि सपा परिवार से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति था, और जो क्षेत्र है क्षेत्र में काम को समाजवादी पार्टी कह रही है कि उसको पार्टी से निकाल दिया गया है, पार्टी के साथ अब उसका कोई लेना देना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए नीतीश। राधिका खेड़ा जी, भाई समाजवादी पार्टी क्लियर कट कह रही है कि हमारी पार्टी में है नहीं, था उसे निकाल दिया गया है, और यह साजिश सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव को लेकर की जा रही है। प्रत्युष जी, अगर समाजवादी पार्टी की हम बात मानते हैं और वो कह रहे हैं कि वो हमारी पार्टी में नहीं है, हमने 5 साल पहले निकाल दिया है, ये है नवाब सिंह यादव का सोशल मीडिया अकाउंट जिसमें वो लगातार डेली अपने प्रोग्राम्स, डेली अपनी मीडिया इंटरेक्शंस की फोटोज और वीडियोस डालते हैं, और रेगुलरली वो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल मंचों पे खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, उनके ऑफिशियल प्रोग्राम का हिस्सा दे रहे हैं। प्रत्युष जी, अगर आपके चैनल में किसी को निकाल दिया जाए, क्या उसके बाद उसको जी न्यूज की माइक हाथ में पकड़ा दी जाएगी? जिसे 5 साल पहले निकाल दिया होगा वो ऑफिशियल प्रोग्राम में मंच से भाषण देगा, वो मंच से एंकरिंग करेगा? मैं तो ये पहली बार देख रही हूँ, ये अद्भुत पार्टी है जिसमें पार्टी में इंसान को 5 साल पहले निकाल दिया जाता है, लेकिन हर मंच, हर प्रोग्राम में जो कन्नौज में होता है वहां पे ये मिनी सीएम कहलाए जाने वाले आदमी लगातार होते हैं, लेकिन फिर भी पार्टी कुछ नहीं कहती। चलिए, वो इनका इंटरनल मामला होगा कि निकालने के बाद भी मंच दिया जाता है। और ये मुझे लगता है कि आप एक और चीज देखिए, यहाँ पे सपा के प्रवक्ता बैठ के लगातार डिफेंड कर रहे हैं कि वो लड़की ने ऐसा कर दिया, वो लड़की ने वैसा कर दिया, वो लड़की नाबालिग है ये है। अरे अगर वो आपके कार्यकर्ता नहीं है, आपके नेता नहीं है, तो आपको व्हाई डू यू केयर? आप अपने जांच में रहिए ना, आप इतनी उसको बैठ के जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं, इतना प्रोटेक्ट करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पे बैठ के कंटिन्यूअसली ये बैठ के बोल रहे हैं कपीश जी। देखिए, सवाल तो है, अगर पार्टी ने किनारा कर लिया, पार्टी ने निकाल दिया, तो फिर कार्रवाई होने दीजिए। फिर आपको क्यों लग रहा है कि ये साजिश की जा रही है? क्यों लग रहा है? वो कौन है आपका? प्रत्युष भाई, कार्रवाई से रोक कौन रहा है? हाँ, एक भी शब्द हमने कहा कि कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आपने एक शब्द जोड़ा ना, साजिश। क्योंकि ना साजिश इसलिए कि समाजवादी पार्टी, अगर आपने इस तरह के संगीन मामले में अगर साजिश कह दिया तो इसका मतलब सीधे सीधे आप बता रहे हैं कि मामला फैब्रिकेटेड है। ये सीधी बात है कि समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, इसका तार जोड़ा जा रहा है। और मैंने एक बात और आपसे एक बात और कही कि प्रत्युष भाई, हमें आप बता दो, रेलिवेंट है कि नहीं ये क्वेश्चन? आरोप क्या लगाया गया? नौकरी के लिए गई थी, एक नाबालिग को नौकरी कौन दिलाएगा? दूसरी चीज मुझे बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का नेता है वर्तमान समय में,
डिपेंड मैं क्यों करूंगा, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं। आप क्यों उसके वकील बन के बैठे हैं? कह रहा हूं ये काम पुलिस कर रही है ना, कि क्या है क्या नहीं है, आप क्यों कर रहे हैं? पार्टी का है ये, भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है। ब्रिजभूषण सिंह के घर कब जाएगा बुलडोजर? ब्रिजभूषण सिंह के घर कब जाएगा? सेंगर के घर कब जाएगा बुलडोजर? एमजे अकबर के घर कब जाएगा बुलडोजर? पीएफयू वाले बलात्कारियों के घर कब जाएगा बुलडोजर? मुझे बताओ इलाहाबाद जो बलात्कारी है तुम्हारे आईटी सेल के, उनके यहाँ कब जाएगा बुलडोजर? बताओ किसके आ गया बुलडोजर? किसके यहाँ बुलडोजर भेजा तुमने? किसके घर बुलडोजर भेजा? ब्रिजभूषण सिंह क्या भेजा? वो लड़की 500 एक्ट के जिस कार्रवाई हुई सुप्रीम कोर्ट के इंटरव्यू पर हुई, शर्म नाम की बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का डीएनए ही बलात्कार करने वाला। स्वामी चिन्मयानंद के ऊपर से बहन बेटी का तेल मालिश करने का वीडियो, आरोप यौन अत्याचार का, और योगी आदित्यनाथ ने मुकदमा उठा लिया। शर्म आनी चाहिए इनको इस तरीके की बात करते हुए। मीटू में 32 महिला पत्रकारों का बलात्कार करने वाला इनका मंत्री एमजे अकबर, उस पर एक एफआईआर दर्ज नहीं होती है। सोचो कि ये किस तरीके की घटिया वाली पार्टी है जो जिनोसाइड पे लगी हुई है इस समय। रेपिस्टों का तो नंबर वन अखाड़ा बना चुकी है अपने यहाँ। राधिका खेड़ा जी जवाब उसके बाद में बाकी मेहमानों का रुख करूंगा जल्दी से। प्रत्युष जी जवाब खुद दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कितना आक्रोश है इनके अंदर, कितना गुस्सा है। ये गुस्सा क्यों है? ये गुस्सा अपने को बचाने के लिए? क्या किसी पढ़ाई के लिए कभी ऐसा गुस्सा आता है? आप बताइए प्रत्युष जी, आपको किसी पढ़ाई के लिए इतना गुस्सा आएगा? क्या आप किसी पढ़ाई को ऐसे डिफेंड करने जाएंगे? ये बताइए जिस तरह चलिए बोल लिया आपने, तो आप पार्टी बदल लेती है। कपीर जी आ रहे हैं, अच्छा मैं इंतजार ही कर रही थी। अब प्रत्युष जी मैं बोलूं, बदल लेती है। कपीर जी अब मैं बोलूं, सुन तो लीजिए। अब अनइंटरप्टेड बोलना चाहिए, वरना कपीर जी को म्यूट कर लीजिएगा। मैं इंतजार ही कर रही थी कब सपाक वाले। नहीं, दो तीन सवाल राधिका खेड़ा, एक सेकंड राधिका खेड़ा जी को लाइएगा साथ में। मैं कह रहा हूं कि राधिका खेड़ा जी, कपिल श्रीवास्तव ने समाजवादी पार्टी ने दो तीन सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि ठीक है आरोप लगाए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले के कई ऐसे मामले हैं बीएचयू में जो रेप कांड हुआ, उसमें जो आरोपी थे वो बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए थे। क्या वहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुई? क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं पर ही ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं? क्या बीजेपी के नेताओं पर आज तक की तारीख में इस तरह के कोई आरोप नहीं लगे हैं क्या? प्रत्युष जी देखिए, कई सारी चीजें इन्होंने बोली। एक जो आखिरी में इन्होंने बोला, जो मुझ पे पर्सनल अटैक किया, जो इंडी गठबंधन का आजकल चाल चले तक चेहरा रहे, आप मुझे मत ज्ञान दीजिए। आपने किया था ना बुआ भतीजा वाला गठबंधन, कांग्रेस के साथ गठबंधन, क्या कहते हैं मेरा सवाल राधिका खेड़ा से था। राधिका खेड़ा जवाब, गेस्ट हाउस कार्ड याद है ना? फिर उसके साथ, उसके बाद किसके साथ इन्होंने गठबंधन किया? अखिलेश यादव जी जो आज राहुल गांधी के साथ गठबंधन करके बैठे हैं। मुलायम सिंह यादव क्या कहते थे कांग्रेस के बारे में? क्या कहते थे अखिलेश यादव जी? जब ऑपोजिशन में कोई भी पार्टी होती है, कांग्रेस अपने ओपोनेंट्स के पीछे ईडी भेजती है, यही कहा था ना? आज ये दोनों गठबंधन है तो मेरी नैतिकता पे सवाल ना उठाए, आप अपने धरेवाल में झांक के देखें। और मुझे यहाँ पे हर चीज पर जब इन लोगों के पास देखे ना, इनको अपने आदमी को बचाना है, पॉलिटिकल आर्गुमेंट नहीं है, तो राधिका खेड़ा पे पर्सनल अटैक कर दीजिए। यही चाल चरित्र चेहरा समाजवादी पार्टी का है, जिसके सबसे शीर्ष नेतृत्व क्या कहता है, लड़के हैं गलती हो जाती है। अरे उन्होंने तो बलात्कारियों को सजाए मौत ना दी जाए, इसको भी डिफेंड किया था। आपको आदमी कहते हैं बलात्कारी के साथ उस लड़की को भी जिसका बलात्कार हुआ है दिया जाए फांसी में। रोहित अग्रवाल को लाइएगा स्क्रीन पर। रोहित अग्रवाल इससे पहले हमने देखा अयोध्या रेप कांड में, वहां पर कहा गया कि साहब डीएनए टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए, यानी कि इस तरह के आरोप बेबुनियाद झूठे लगाए जा रहे हैं। उसके बाद अब आरोप लग गया नवाब सिंह यादव पर, और समाजवादी पार्टी का कहना है कि जानबूझ करके आप आरोपियों की जाति, उनका धर्म बताते हैं, क्योंकि आपको समाजवादी पार्टी को इलेक्शन से पहले बदनाम करना है। प्रत्युष जी बड़ा दुख होता है जब ये देखे कि महिला अस्मिता के ऊपर समाजवादी पार्टी का कितना घटिया स्टैंड है।
कि जब अयोध्या के अंदर सीधे सीधे इनका पदाधिकारी उसके अंदर आरोपित होता है तो इनके अगले साथ आते हैं और कहते हैं कि लाठियां खाई हो और अपने मंत्री पद को पाने के लिए ये उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है कि आज रेसिस्टों की पार्टी के साथ जाकर के खड़े हो गए। रोहित अग्रवाल स्वार्थ से परिपूर्ण आपकी पार्टी है, आपका नेता समाजवादी पार्टी के राज्यसभा की मेंबर बना और आपने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। आप हाथरस में लाठी खाते हो और योगी सरकार को बचाते हो, उन्हीं रेसिस्टों को क्या करके खड़े हो गए तुम? अपनी आत्मा बेच दी तुम्हारे नेता ने, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लड़के ने केवल मंत्री पद लेने के लिए अपनी आत्मा से समझौता किया। ठीक है, एक सेकंड कपीश जी देखिए, समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट है जिसमें अखिलेश यादव ने कन्नौज के वरिष्ठ नेता लिखा हुआ, वरिष्ठ नेता श्री नवाब सिंह यादव की माताजी श्रीमती भूला देवी 86 वर्ष के निधन पर गहरा शोक जताया है। अब यह बताइए कि ये आपकी पार्टी के नेता हैं नहीं है, क्योंकि आपके ऑफिशियल हैंडल से वरिष्ठ नेता इनको बताया गया था। जैसा कि बता रही राधिका खेड़ा कि उनके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें अभी भी वो एक्टिव है बतौर समाजवादी पार्टी। कपीश जी, सक्रिय सदस्य होते समर्थक बन करके अगर वो कर रहा है तो उसके लिए समाजवादी पार्टी दोषी नहीं है, और समाजवादी पार्टी ने ये उस समय किया जिस समय वो हमारे यहाँ के सदस्य थे। जब हमने हटा दिया तो हमारे यहाँ कोई वो सदस्य नहीं। अगर सक्रिय रसीद के पास हो तो दिखा दे, मैं तो साफ कह रहा हूँ। और ये प्लांड है, ये प्लांड किया गया है भारतीय जनता पार्टी का। मुझे तो ये बताइएगा कपीश जी ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में कब से कब तक शामिल थे और पार्टी ने उनको कब निकाला, कब निष्कासित किया? देखिए अभी हाल में आप लोग पांच साल चिल्ला रहे, हमने आपको ये बताया कि जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था उस समय पार्टी विरुद्ध गतिविधियों में इनको लिप्त पाया गया था, इन पर काफी जांच चली, कार्रवाई चली, अभी हाल में इनको निकाला गया है। जब दोषी पाया गया तो हाल ही में ही निकाला गया है। और आपको मैं दूसरी चीज आपको बार बार हाल ही में निकाला गया, ओके, मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी से जरा एक क्वेश्चन तो पूछो भाई, डीओटीओ के आरोपियों के विरुद्ध क्यों नहीं, ये इलाहाबाद के आरोपियों के विरुद्ध क्यों नहीं जो इनके आईटी सेल के थे, ये चिन्मयानंद पर से मुकदमा क्यों उठा लेते हैं, भूषण सिंह एफआईआर दर्ज करते सुप्रीम कोर्ट को।